आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कमलानगर क्षेत्र स्थित रश्मि नगर में श्री श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव की रौनक देखने को मिली। इस दौरान मंदिर में महंतों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कमलानगर क्षेत्र स्थित रश्मि नगर में श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गुरुवार को नंद उत्सव की एक झलक देखने को मिली। इस दौरान मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया, साथ ही यहां के महंतों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही स्वामी श्री प्रभुपाद की पूजा अर्चना कर अभिषेक भी किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों ने अपने आराध्य को याद कर उनका आशीष प्राप्त किया। आज शिला प्रपात जी का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन की फाउंडेशन रखी, उनका 124वां जन्मदिन है। तो आज प्रातःकाल में हम उनका आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप कोरोना की स्थिति में देख रहे हैं, जो मंदिर के भक्त हैं, जो सेवक हैं, वही लोग कर रहे हैं, बाहर के लोग सब ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। और कल जन्माष्टमी का भी इसी प्रकार से हुआ, जो बाहर से आने वाले भक्त थे उन सभी ने ऑनलाइन दर्शन करे। और आज शाम को नंदोत्सव होगा, तो नंदोत्सव को भी सभी लोग ऑनलाइन दर्शन करेंगे। मंदिर में बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। सुबह मंगल आरती, दर्शन आरती, भोग आरती, संध्या आरती एवं भजन कीर्तन किए गए। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से यहां का माहौल दिन भर भक्तिमय बना रहा। हरे कृष्ण हरे राम शब्द से गुंजायमान होता रहा। आज जैसा कि प्रभु आज नंदोत्सव भी है, प्रभुपाद जी का विवाह दिवस भी है, तो इसीलिए कोरोना के चलते लोग भक्त आगरा के जितने भी भक्त इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जो भी भक्त हैं सब अपने ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं और ऑनलाइन मंदिर के जो भी उत्सव हैं उसका आनंद उठा रहे हैं। मंदिर के मुख्य परिचालक ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार यहां कृष्ण भक्तों की उपस्थिति की काफ़ी कमी रही। हर वर्ष यहां जन्माष्टमी पर्व अत्यंत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार भक्तों को प्रभु के श्री दर्शन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कराए गए, जिससे कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस जैसी महामारी से उनका बचाव हो सके। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।